वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, और कोशिश यही रहेगी कि इस माह मुबारक में आपके साथ जो है इस महीने की बरकतों को भी समेटा जा सके, और वो कुछ ख़ास लोग जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं अच्छी बात करते हुए, उनकी पर्सनालिटी से आप इंस्पायर होते हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे भी जाना जाए कि आज आया वो अपना रमज़ान जो है वो कैसे गुजारते हैं, क्या क्या यादें हैं जो इस माह मुबारक से उनकी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ यादें आपको पिछले साल की भी इस वक्त आ रही होंगी, क्योंकि बजट जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो हर जगह पर जो है वो इस वक्त मवाजना किया जा रहा है कि अच्छा पिछले साल ये हुआ था अब ये हुआ है। क्योंकि ये भी याद रखें कि यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन होने वाला, मतलब अब नेक्स्ट ईयर जो है वो डेफिनेटली 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो उस हवाले पार्टी जो है वो अपनी इस वक्त कैंपेन्स कर रही है, मुख्तलिफ आपको जलसे जुलूस रैलियाँ कहीं पर एहतजाज कहीं पर कुछ आपको नज़र आ रहा है। और इसी असना में इस वक्त बजट भी जो है वो अनाउंस किया गया है। अब वो बजट एक आम शख्स की जेब पर कितना भारी है और उसके लिए कितना जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुआ है, इस हवाले से भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि एज इकोनॉमिस्ट इनका बड़ा जो है वो गहरा तज़िया है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। इसके अलावा रमज़ान जो रौनक हैं वो भी ज़रूर डिस्कस होंगी। वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म हैं, इसके साथ साथ यमन के काउंसलर जनरल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है, और ये महीना तो बस रहमतें ही रहमतें समेटने में हर एक आदमी मशगूल है। अभी हम भी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे और पाकिस्तान में बिलखसूस अपनी रहमतें बरकतें इस माह रमज़ान में हम पे निछावर करें। और मैं आपके वक्त न्यूज़ के तमाम नाजरीन को माह रमज़ान की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी दुआ भी है और दरख्वास्त भी है कि ये महीना खुश नसीबों को मिलता है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने आपको ये अगर महीना दिया है तो इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अल्लाह के खुशनुदी हासिल करने के लिए। ट्रू। मैं बजट पे भी ज़रूर बात करूँगी इनसे, लेकिन इससे पहले क्योंकि रमज़ान का महीना है, सो 11 महीने के अलावा इस महीने जो है बड़ी प्रैक्टिस चेंज हो जाती है लाइफ में। सो अच्छा, मुझे बहुत होता है कि थोड़ी सी इसकी पुरानी यादें जो है ना उनको भी अपने साथ लेके चला जाए। तो आपको याद है आपका पहला रोज़ा कब रखा था, खुद रखा था अपनी ख्वाहिश पर, या अम्मा बा ने कहा था कि नहीं बस अब उम्र हो गई है? क्योंकि आप हमेशा अपनी वालदा की तरबियत का जिक्र करते हैं हर प्रोग्राम में। सो ऐसा हुआ कि याद है वैसे कब रखा था? पहले रोज़ा तो मुझे नहीं याद, लेकिन अपने रोज़े रखने की हसीन यादें और बातें कुछ याद हैं। अच्छा। लेकिन हम, मैं जब बहुत छोटा था तो जब से मैं रोज़ रोता था कि रात को जगाएं, मैं रोज़ा रखूँगा। अच्छा। और वालदा नहीं जगाती थी, तो सुबह जब मैं उठता था तो वो नाश्ता होता था, बहुत छोटा होता था मैं, तो मैं कहता था मैंने तो नहीं, मेरा तो रोज़ा है। तो मम्मी कहती थी एक दाढ़ का रख लो। अच्छा, ओके, एक दाढ़ का रोज़ा, यहाँ से नहीं खाना यहाँ से खा लो और फिर स्कूल चले जाओ। ठीक है। तो मैं तो कहता एक कि नहीं, मुझे तो आप लोगों की तरह दोनों दाढ़ों का रखना। तो फिर कहते हैं अच्छा कल जगाएंगे। तो इस तरह से फिर एक दिन हुआ कि रोज़ा कुशाई हुई, और उसके बाद से मुसलसल आज तक हमने कोई रोज़ा छोड़ा नहीं। और अभी हम मैं जा रहा हूँ, 6 जून को मेरी बेटी हया की मिगल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन है, माशाल्लाह। तो सब बच्चों के में हम गए थे, तो इसमें नहीं जाएंगे तो वो बच्ची को फील होगा, तो मैं और नौरीन जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी से परेशान हूँ कि तरावियाँ कैसे होंगी, रोज़े वहाँ 18 घंटे के होते हैं, सहरी कब होटल में, पहले से मैंने यहाँ मेरे सेक्रेटरी जरा ने मैसेज दिया कि जी कोई अहतमाम हो रात में ऐसा, तो ये सब चीज़ें हैं, मज़ा नहीं आता रमज़ान में, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपना मुल्क छोड़ के जाऊँ। लेकिन
चंद दिनों के लिए सही जाना लेकिन लेकिन ये देखें ना, ये भी हमारी कितनी खुशनसीबी है कि ये जो एक जो फेस्टिविटी का समा होता है, ये आपको पाकिस्तान में के अलावा बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहाँ पर, बल्कि पाकिस्तान जैसा मंजर तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, जो रौनक है। और अब तो जो वो नाइट आउट्स भी लोगों के होने लग गए ना, कि सहरी तक लोगों ने जागना है और वो पूरी रात शहर, कराची शहर तो वैसे ही जागता है, रोशनियों का शहर है ये, और सुबह तक लोग इसको इंजॉय कर रहे होते हैं। माह रमजान ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में बड़ी फेस्टिव तरीके से मनाया जाता है, और कुछ टीवी चैनल इस बार मुस्लिम ममालिक में माह रमजान कैसे गुजारा जाता है, रोज़े कैसे खोले जाते हैं वो दिखा रहे हैं। और यहाँ से जैसे मेरे भाई मोरक्को के कौंसल जनरल हैं, तो उनको ख़ास तौर से लेके जा रहे हैं कि आप मोरक्को में कैसे रमजान होता है और वहाँ की लोकल घरों में कैसे क्या चीज़ें होती हैं कैसे। लेकिन मोरक्को की मुझे याद है, क्योंकि हमारा बिजनेस है और हम वहाँ जाते रहते हैं, कि वो अफ्तार के बाद लोग फिर रोड पे निकल आते हैं तमाम। अच्छा। और एक म्यूजिक बज रहे हैं, वहीं पे फिर लोग नमाज पे चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, रेस्टोरेंट रात भर खोले रहते, बस इस मतलब सहरी के वक्त वो भागते हैं। बस अब तो हाँ, आप घर जा रहे हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये हम इसको उसी तरह से मनाएं कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, और हमें अल्लाह ने ये सआदत दी है कि हम सेहतमंद होते हुए इस अल्लाह का शुक्र रमजान को मना सकते हैं, इसमें इबादतें कर सकते हैं। और ये पूरे मुसलमान में देखिए, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर से, और दूसरे बड़े जो लीडर हैं दुनिया के, कनाडा के जो ट्रूडो है, उसने तो ख़ास तौर से वो रोज़ा खोलने जाते हैं मस्जिद में, कि वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो इस कैनेडियन पार्लियामेंट के, जिन्होंने ऐलान किया कि हम भी रोज़ा रखेंगे, क्योंकि हमें रोज़ा रख के बड़ा अच्छा फील होता है। हम आप ये देखें कि ये मज़हब इस्लाम और इस्लाम के जो रोज़े रमज़ान और इबादतें हैं, वो गैर मुस्लिम भी उसको अपना रहे हैं। उनको उस चीज़ का वो जो जो एक प्रोटोकॉल है वो उसको बहुत पसंद करते हैं, जो तरीक़ा कार है और वो सारी चीज़ें। और ये इंसानियत के लिए भी अगर देखा जाए, साइंस के, अगर आप थोड़ी देर के लिए बात करो इस हवाले से, भी बड़ा अच्छा है कि आपकी बॉडी की मशीनरी जो है, जिस तरह आपका डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। बाकी 11 महीने तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, भूख लगती है फ़ौरन खा लेते हैं, लेकिन यह हमारी अपनी अंदर की फ़ौज भी जो है वो बड़ी एक्टिव होती है। सो ये जो आपने भी जिक्र किया कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा सहरी का इंतज़ाम होना चाहिए, तो कोई ख़ास सहरी का इंतज़ाम होता है? कुछ भी नहीं, जो मिल जाता है, सिर्फ इसलिए कि सहरी एक हिस्सा है रोज़ा रखने का। मैं उनमें से नहीं हूँ कि रात को खा के सो गए और सुबह ऑफिस आ गए, पड़ी और सोते रह गए। हमारा बाकायदा 3:30 बजे सब लोग जागते हैं, सर्वेंट भी, नौरीन भी, बच्चे भी, फिर साथ जमा होते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर अपने अपने नमाज़ें वगैरह पढ़ के। और मैं सुबह, जैसे आज वालदा की खबर से होते हुए आया हूँ मैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़े अच्छी लगती हैं रमजान में, उसकी एक अलग ही मज़ा है। सही। वैसे क्या भी वैसे रूटीन में क्या है, क्या सहरी में आपको पसंद है, क्या खाते हैं आप? मेरी वालदा ने एक चीज़ की आदत डलवाई हुई है। अच्छा। खजला की। खजला। और वो खजला हम जब रमजान आते थे तो वालदा कहती थी कि भाई आज सहरी हो गई है, खजला लेकर आओ। तो हम बंस रोड जाते थे खजला लेने के लिए, और वहाँ रश लग जाता था। बंस रोड तो आपको पता है जगह ही खाने पीने वाले लोगों की, दिल्ली वालों की जगह। तो फिर हम लेकर आते थे, फिर हमें भूगो देती थी दूध में। अच्छा। और रात को फिर वो सहरी में खजला दिया जाता था। सही। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो पूरी ज़िंदगी अब उससे वास्ता पड़ता रहा है, तो अब जिंदगी के हिस्से से। और आप देखें, बाकी 11 महीने आपको खजला भी नहीं कहीं मिलेगा भी नहीं, आपको ये रमज़ान के महीने से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया। और ये जिस तरह आपने कहा लोगों की प्रैक्टिस है फेनी खानी है या खजला खाना है, और इसी तरह अफ्तार जो होती है ना, अब लोग कहते हैं कि जी ऑयली चीज़ें ना खाएं और ग्रीसी होती हैं और आपका स्टमक का डिसऑर्डर हो जाता वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जब तक पकौड़े नहीं बनते, छोले नहीं बनते, दही बड़े नहीं बनते और चाट नहीं बनती, तो फिर लगता है कि जी ये तो रोज़ा खुला ही नहीं, एहतमाम भी नहीं होता। और मैं जब बाहर जाता हूँ रोज़ा खोलने, जो हर रोज़ है, अभी सऊदी कौंसल जनरल ने 1 तारीख को बुलाया
بہت بڑا اس کا ہوتا ہے, تمام مسلمان سفارت وغیرہ آتے ہیں. تو میرا دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں گھر میں روزہ کھولوں, لیکن یہ وہ بھی ہے, میں خود سفارت کار ہوں, ڈپلومیٹ ہوں اور پھر ڈین ہوں آنری کونسل جنرلس کا, تو ہمیں جانا پڑتا ہے. لیکن مزہ نہیں آتا وہاں, نماز کا بھی وہ مزہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ کھلنے کے بعد گارڈن میں جماعت ہوتی ہے, اور تمام دونوں گھروں کے, اشتیاق کے بھی اور میرے بھی, میں اور اشتیاق اور تمام سرونٹس جتنے ڈرائیور ہیں, گارڈس ہیں, سیکورٹی ہیں, وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ ساتھ پڑھتے ہیں. کوئی 20-25 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے, اور روزہ بھی اس سے پہلے گارڈن میں سب کا ایک ساتھ کھلوایا جاتا ہے, سب ساتھ مل کے روزہ کھولتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, آمنے سامنے ہی رہتے ہیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں, ہم برابر برابر, ایک لان تو ایک ہی ہے, دو یونٹ ہیں تو کامن لان ہوتا ہے, اس میں دونوں گھروں کے وہ تمام سرونٹس آ کے مطلب روزہ بھی کھولتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. اور آج کل میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ 10 روزہ تراویاں ہو رہی ہیں. تو جو تمام دوستوں کو اطلاع دیتے تھے, تو جو جو آتے ہیں پلس گھر کے ملازم ہوتے ہیں, سب مل کے ہم, یہ شروع ہوتی ہے 8:45 اور ختم ہوتی ہے 11:00. تین سپارے ڈیلی پڑھائے جا رہے ہیں, اور 10 دن میں انشاءاللہ قرآن شریف کا ختم ہو جائے گا, اور 5 تاریخ کو یہ ختم ہوگا, 5 کی رات کو ہی میں جا رہا ہوں, 6 کو بچے کی گریجویشن. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنا دیا, ایسا بنا دیا کہ آپ کو 10 دن مل گئے. نیت کی بات ہے نا, جب آپ نیت کرتے ہیں تو پھر اچھا, کیونکہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ آپ لوگ دہلی والے ہیں, تو ماشاء اللہ سے کھانے پینے کا بڑا شوق اور بڑے مختلف طرح کے آپ کے کھانے, تو بھابھی کیسے اچھے کھانے بناتی ہیں نا؟ ویری گڈ کک, اور وہ اب زیادہ تر کک پہ چھوڑا ہوا ہے. اچھا, تو اور اب اتنا شام میں تو ہم مہینوں نہیں کھاتے, کیونکہ ہر روز 4-5 جگہ جانا ہوتا ہے, ایک سے دوسری جگہ, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, بزنس کمیونٹی, ڈیلیگیشنس آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوپہر میں ہم بہت لائٹ سیلڈ یا سوپ وغیرہ ہوتا ہے, وہ کک کو پتہ ہے, وہ بنا کے بھیجتے ہیں, یا پھر بزنس لنچ ہوتے ہیں. لیکن اورنج جب بھی کبھی خود بناتی ہیں, یا عید بقرعید ہوتی ہے تو خود بناتی ہیں, یا کوئی ایسی تہوار نیازیں ہیں خاص طور سے, ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. والدہ کی ابھی شب برات پہ تھی, تو ان کی ہر وہ چیز جو ان کو پسند تھی وہ نیاز. اچھا, میں نے بہت بار بولا ہے, ابھی بھی میں آن ایئر بھی بول رہی ہوں نورین بھابھی سے کہ وہ ضرور آئیں, اور اب اگلی بار جب میں آپ کو بلاؤں گی تو میں پرسنلی ان کو کال کر کے کہوں گی کہ وہ ضرور آئیے, اور بہت اچھا لگے گا آپ دونوں سے بات کر کے. آپ تو انہیں بڑی اچھی طرح جانتی ہیں, آپ ان کی چہیتی ہیں, مجھے پتا ہے آپ کی اچھی ریپو نورین سے, اور نورین از اے ویری فرینڈلی پرسن. یس شی از, بہت ہی فرینڈلی, اور جسے کہتے ہیں نا لوگ بنداس ٹائپ کی. ایگزیکٹلی, اور بہت اچھے کپڑے بھی ڈیزائن کرتی ہیں, ان کا یہ ایک آرٹ بڑا اچھا ہے, اور خود بھی بڑی گریسفل ہیں, اور یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنے اس چیز کو لے کے چلیں. تو ہوپ فلی میں آپ کو یہ زبردست سے گریسفل کپل سے جو ہے وہ ضرور ملواؤں گی آگے آنے والے پروگرامس پہ. یہ بتائیے کہ لائف میں چیزیں بڑی تبدیل ہوتی رہتی ہیں, آپ نے سیاست بھی دیکھی, آپ نے گھریلو زندگی کو بھی پورا وقت دیا, آپ نے بزنس بھی کیا, بہت سارے مختلف شعبوں کو آپ نے نبھایا اور بہت بہترین طریقے سے نبھایا. زندگی میں ایسا کون سا آرٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہر شعبے میں کامیاب کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو سنا ہے ٹائم مینجمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے, تو آپ کے 50% مشکلات دور ہو جائیں گی. اوکے, ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کو پنکچوئل ہونا پڑتا ہے, وقت پہ پہنچنا ہے. میں جیسے پروگرام میں 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہوں, دوسری طرف لوگ بھاگ بھاگ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں, پروڈیوسر کال کر رہا ہوتا ہے. میرے گھر میں کچھ چینل ہیں, وہ اپنا ڈی سی جی دیتے ہیں, تو میں گیٹ پہ بولوا دیتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اتنے بجے, 15 منٹ لگتے ہیں لائٹیں وائٹیں لگانے میں, آپ سیٹنگ کرا دیں, میں راستے میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا اس کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے. اگر میں یہاں دیر ہوا تو پھر وہ سب چیز دیر ہو جائے گی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پنکچوئلٹی اور ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ 24 گھنٹے کو آپ 25 گھنٹے نہیں کر سکتے, لیکن 24 گھنٹے میں 30 گھنٹے کا کام لے سکتے ہیں اگر آپ مینج کریں. اگر میں ایک بریک لینا ہے اوکے جناب, تو بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر جناب بات ہوگی, یہ جو بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے یہ کتنا بہتر ہے, اور یہ ایک عام انسان کی جیب پر کتنا فائدہ مند یا جو ہے وہ بھاری ثابت ہو رہا ہے, اس پر ہوگی بات آفٹر دس بریک. میرے ساتھ رہیے, سلام پاکستان.
एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रमज़ान की जो यादें हैं इनके साथ उसके हवाले से हमने बात की। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है हमेशा हम मुझे नहीं याद अपनी जितनी ज़िंदगी मैंने अब तक गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ी अच्छी गुजारी गुजर गई, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि ठीक है भाई महंगाई कम हो रही है। हमेशा ऐसा ही सुना कि महंगाई बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी ऐसी कोई आवाज़ आई हुई सुनने को कि कम हो रही है। ये जो बजट है जब इसको डिज़ाइन किया जाता है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट को और थ्रू आउट द लाइफ जिस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं दुनिया भर में उनको देखा जाता है। एक आम इंसान का कितना ख्याल रखा जाता है बजट बनाते वक्त, या सोचा भी जाता है उसको, या सिर्फ ये जो हमारे बड़े बड़े मामले आते हैं उनको देखा जाता है? देखिए हकीकतन तो ये है कि ये बजट जो है ये हुकूमती अखराजात, हुकूमत के आमदनी सियासी मफादात को रख के ज़्यादा फोकस बनाया जाता है। एक आम आदमी की मुश्किलात बहुत कम, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर अफरात ज़ाद 6% है मिसाल के तौर पे, और अफरेजर मींस महंगाई ठीक है है, और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, किराए महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, तो फिर बजट में 10% सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाता है। अच्छा। और जो सरकारी नहीं है उनके लिए ये कह देते हैं कम अज़ कम मुजरात अब 14,000 थी जैसे गुज़श्ता साल, इस साल 15,000 हो गई। एक आम आदमी की लेबर जो है अब हमारी जो फैक्ट्रियों में होंगे जो सबसे नॉन स्किल्ड आदमी है कम से कम मुजरत उसकी हमें 15,000 देनी पड़ेगी। अच्छा मिनिमम वेजेस जो है मिनिमम। अच्छा अब यहाँ ये देखें ये इन कंपनीज पर लागू होता है, लेकिन जो हमारे घरों में मेड्स काम कर रही होती हैं हम उनको उससे कहीं कम उस पर जो है वो कर रहे होते हैं। बट अगेन ये एक लॉ आ चुका है और इस पर कानूनी पकड़ भी मौजूद है। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर 15,000 से कम पर आपने किसी शख्स से आप काम करवा रहे हैं सो वो फिर उस पर जो है वो आपकी पकड़ भी हो सकती है, अगर अगर उस शख्स को इतना पता है कि मेरे हुकूक क्या हैं और अगर आप उसे पूरा नहीं करें। व्हाट डू यू थिंक कि जो इस साल का बजट आया है जो हुकूमत ने अनाउंस किया, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर भी है और सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, तो कितना बेहतर है एक आम आदमी की जेब पर, कितना ये जो है बेहतर साबित होगा? देखिए इस बजट में बड़ी दिलचस्प फिगर मेरे पास सोशल मीडिया में आई। अच्छा। तो मैं आपको भी बतला रहा था जी कि सर अपने पैसे गरीब आदमी नहीं रख सकता या रखेगा तो उसको 15% देना पड़ेगा और प्रॉपर्टी आपको। ये एक सफ़ेद पोश रिटायर्ड आदमी को जो इज्जतदार लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी कमा के जो पैसे वो अपना गुजर औकात के लिए कहीं पे लगाते हैं वहाँ पे भी एट सोर्स ये लोग छुरी चला रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप सुपर टैक्स लगाया है, सुपर टैक्स से होता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी कमाई है मुनाफा है तो एक सुपर टैक्स आपको देना होगा। उसमें सब ज़्यादातर बैंक आते हैं, बड़ी इदारे हैं, यूनिलीवर है, ICI है, एंग्रो है, सही उस पर इतना बुरा हमें नहीं लग रहा आपको? ठीक है, क्योंकि वो 50 करोड़ ऊपर ऊपर के 50 करोड़ से नीचे पे तो नहीं है, नहीं है ट्रू। तो लेकिन ये गरीब आदमी हाँ। तो यहाँ पर भी फिर आप एक लगा लें कि अगर इतनी की प्रॉपर्टी है तो फिर आप उस पर करें, ताकि एक आम आदमी अगर उसका 120 गज का घर है उसने किराए पे दिया हुआ है तो क्या किराया आ रहा है, वही आपके पास 10,000 अगर आ रहा है किराया उसमें से भी वो दे देगा 7,000-7,500 उसके पास बच जाएंगे तो वो फिर क्या करेगा? तो फिर यही बात है ना कि आपने एक गरीब को और गरीब कर दिया। आप चोरी करें, वो झूठ बोले, एग्रीमेंट दो बनाए, एक में असल नहीं दिखाए, कम दिखाए, ये सब चीज़ें आप मजबूर कर रहे हैं ना उसको। एग्जैक्टली तो ये तो वो वाली बात है ना कि हम पिछले कई अरसे से ऐसी बातें सुन रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और ऐसा ही लग रहा है ये तो मिडिल क्लास के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। खुशहाली मिडिल क्लास से आती है। ट्रू। अगर मिडिल क्लास आपके खुशहाल है, इंडिया में मिडिल क्लास इतनी ऊपर आ गई, परचेजिंग पावर बढ़ी है, परचेजिंग पावर बढ़ी है तो दुनिया की कंपनियाँ वॉलमार्ट के ये वो वहाँ पर आएंगी। आपकी अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी खरीद जिसको आप कहते बिल्कुल ऐसा ही है तो आपके अप्लाइंसेस भी बढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर ये वो सब लोग लेंगे तो आपकी माशी ग्रोथ होगी। सही।
तो आप मिडिल क्लास का गला मत दबाएं। आपके पास सनतकार को आप दबाते चले जा रहे हैं। हर साल 400 अरब रुपए के टैक्स नए तकरीबन लगाए जाते हैं, इस साल 500 अरब बोला। टैक्स देने वाले वही हैं, 12% जीडीपी में जो है वही है। तो ये टैक्स कैसे बढ़ता जा रहा है? 400-500 अरब नए टैक्स पेयर नहीं आ रहे, उन्हीं के ऊपर इजाफी आप बजट जो दे रहे हैं उसको दबा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, फिर वो आदमी या तो चोरी करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें ना कितने लोग होंगे जो लाखों रुपए में कमाते हैं। अदरवाइज तो आप देखें, अब तो वैसे भी मर्दमशुमारी के बाद ये जो सारा मामला हुआ है, अब अगर आप आबादी की शरह देखें और उसमें फिर उन लोगों की शरह देखें जो बेरोजगार हैं, वो भी आपको एक बड़ा रेशो मिलेगा। उसके बाद लोग कमाने वाले ऐसे हैं कि महीने के दिन पूरे नहीं होते उससे पहले लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बिजली के बिल, बिजली है नहीं और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं और किराए के घरों में लोग रह रहे होते हैं, पेट्रोल आए दिन महंगा है। लेकिन ना दुनिया में महंगाई, जैसे आपने अभी प्रीएम्बल में कहा कि बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, किसी मुल्क में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन सब में बढ़ती है। महंगाई को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वो तो बढ़ेगी कहीं पर 6% की शरह से, 4% की शरह पर, कहीं 10% की शरह। लेकिन महंगाई के एक दूसरा चीज फैक्टर होता है आमदनी। आमदनी अगर आप बढ़ा दें तो महंगाई से मुकाबला करने की सख्त हो जाती है। सही। वो हमने नहीं किया, वो हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म नहीं है। सही, बैलेंस नहीं करते ना। इन्फ्लेशन जो है उसको काउंटर करने के लिए आमदनी में मुसलसल इजाफा हो। सही है ना। तो ये सब वो चीजें हैं जो आवाम दोस्त बजट जिसको कहते हैं, जो गरीब नवाज बजट कहते हैं, जहाँ ये सी चीज़ें नहीं है मैं उसको नहीं कहूँगा गरीब नवाज और आवाम दोस्त बजट। सही। लेकिन अभी आपने बात की थी ना कि ये जो है इलेक्शन ईयर है, तो इसलिए इस तरह का बजट दिया गया है कि लोगों में जो है वो थोड़ा सा एक पॉपुलैरिटी जनरेट हो के हमारे फ़ायदे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हम तो गैर सियासी लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ, कोई भी पार्टी होती तो वो इलेक्शन ईयर से पहले अगर उसको बजट बनाने का मौका मिलता तो यही स्टांस लेती कि ये तो एक टैक्टिक्स है ना, जो एक पॉलिटिक्स की होती हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और होता तो वो कहता नहीं मैं अपने इलेक्शन ईयर की तैयारी नहीं करूँगा। बिल्कुल करें, तरक्याती मनसूबों पर फंड्स रखेंगे, तरक्याती मनसूबे सूबों को दें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड सूबों को दें। आप तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों के ऊपर ज़्यादा फंड मुख्तस करें। मैं दो हाथ से सलाम करूँगा आपको। एजुकेशन में हम बोल बोल के थक गए, मैं कॉलम लिख लिख के थक गया। बजट में मैं 8 टीवी चैनल पे था। अच्छा। 8 उस दिन शाम दोपहर से रात को 12 बजे ख़त्म हुआ था आखिरी। मैंने ये कहा तालीम में 4% जीडीपी का दें और सेहत में 2% जीडीपी का दें। तालीम में ये मुश्किल से 1.5% दे रहे हैं और सेहत में 1% भी नहीं जीडीपी का, आपकी जो टोटल मार्शत है उसका। जो आप में फिर क्या हो रहा है, शरह खानगी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। लिहाजा आप बजट में शोहरत हासिल कर, इलेक्शन में शोहरत हासिल करने के लिए बिल्कुल आप फंड मुख्तस भी करें, खर्च भी करें, लेकिन सोशल वेलफेयर में, समाजी कामों पर, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों में, पीने के साफ पानी के लिए, ये वो चीजें हैं जो आपको शोहरत देंगी, पॉपुलर करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने किसी भी कौम को मजबूत करना होता है तो आप उसको तालीम देते हैं और आप उसको सेहत देते हैं, उसके बाद फिर आप देखें कि वो अपने कैसे अपने हुनर को आगे लेकर बढ़ती हैं और फिर आप कामयाबी के पहिए को आगे बढ़ाते हैं। 60% यूथ है हमारे। हाँ। ये एनर्जी है। हाँ। ये बम है। हाँ। इससे हम इनकलाब ले आएंगे। वो फटी रहे 60% जो है वो क्या तालीम के आरस्ता है, क्या वो सेहतमंद है, क्या न्यूट्रिशन उसका खाने पीने का उसको वो मिलती हैं इतनी कैलोरीज कि वो एक सेहतमंद दिमाग से मुल्क के लिए कुछ कर सके, ये भी ज़रूरी। नहीं तो वो 60% लाइबिलिटी बन जाएंगी आप पे, या वो 60% अगर उन्हें मुलाजमतें नहीं मिली तो किसी गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो दहशतगर्दी में मुलव्वस फिर वो अपने खुद बम बांध के फटेंगे। तो आज दूसरा बम फटेंगे। ज्यादा 60% को अगर आपने एनर्जी के तौर पे मुल्क की पैदावारियत के लिए इस्तेमाल करना है, तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, तो उनको वैसे तैयार करें, उनको तालीम की सहूलतें दें, उन्हें सेहत की सहूलतें दें, उन्हें पीने का साफ पानी दें, और आखिर में जब वो पढ़ कर आए तो
تو ملازمتوں کے مواقع ملیں. پھر یہ ہے 60% نوجوان جو پاکستان کی کایا بدل دیں. لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ تو پھر لائبلٹیز ہیں, بوجھ بن جائیں گے ہمارے. تو پھر آپ, اب اللہ بہتر جانتا ہے, نیکسٹ الیکشن ایئر ہے, دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, اب پہیا کیسے گھومتا ہے. بہت ساری پارٹیز بہت ایکٹیو ہیں اور اس وقت چاہے آپ حکومت کی بات کر لیں, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی بات کر لیں, سب اس وقت جو ہے وہ اس وقت کمر کس کے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی. سو اللہ کرے, دعا کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو, اگر آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, ہوپ فلی, مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ, آپ بڑے اسٹرانگ ڈیسیجن میکر ہیں اور بہت اسٹرانگ اسٹانس اپنی پارٹی میں بھی لیتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں, اور آپ نے بہت بہت بہترین سچ کو سچ کہا ہے جی, کالے کو کالا, سفید کو سفید کہا ہے. اور ابھی بھی صدر پاکستان, سابق صدر پاکستان جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں زرداری علی, آصف علی زرداری صاحب نے خاص طور سے بلایا تھا کینے 250 کلفٹن کے, اور ڈیفینس کے جو ہمارا, آپ نے الیکشن لڑنا ہے, آپ نے 50,000 ووٹ لیے تھے, اب جیت گئے تھے, وہی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے ہمارا سیاسی جماعت ایم کیو نے ڈبے وبے بدلے وغیرہ وغیرہ, لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. اب اتنے زیادہ کوئی ریگنگ نہیں کر سکتا, غنڈہ گردی نہیں کر سکتا, تو ہم سوچ رہے ہیں بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر شفاف ہوئے تو میں چاہتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دے کے مجھے مینڈیٹ دیا تھا اور ان کی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا بلکہ دوسرے لوگوں کو سامنے لا کے بٹھا دیا گیا گن کے پوائنٹ پہ, غنڈہ گردی کی بنیاد پہ, طاقت کی بنیاد پہ, ان کو دوبارہ ہم ان کے مینڈیٹ دیں. اور ہم آئے تو آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہم پچھلے 25-30 سال سے ٹی وی میں, اخباروں میں جو کہا وہ کیا ہے, ایک کریکٹر ہم نے رکھا ہے. اتنی حکومتیں آئیں, اتنی حکومتیں گئیں, میرے دامن پہ چھینٹ نہیں آئی ہے. اور میں بڑے سے بڑے عہدوں پہ, پی ایس او میں, ٹیکسٹائل سٹی میں, ادھر کے الیکٹرک میں, ہر جگہ رہا ہوں, لیکن لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا ہے, ایسے بھی حالات رہے. تو یہ صاف ستھرا کا والدہ کی تربیت ہے. اب ہم آخری اننگ میں, تو اب تھوڑی ہم کو کلا بازی کھائیں گے اور اس کو بدلیں گے, ایسے ہی جانا ہے جو پوری زندگی کیسے گزارا, تربیت والدہ کی, مورل ویلیوز دماغ میں ٹھوس دی گئی ہیں, اور پھر لوگ عزت پہ محبت دیتے ہیں جو ہماری کریڈیبلٹی بنی ہے. میں جب کالم پیر کو آتا ہے 600-700 ای میل پوری دنیا سے آتی ہیں, تو یہی چیزیں, یہ کمائی ہے ہماری بس, وہ ساتھ لے کے جائیں گے عزت نام, اور بچوں کو دے کے جائیں گے کہ یہ کمایا ہے آپ کے باپ نے, باقی چیزیں سب آنے جانی ہیں. بزنس میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تخت یہ تختہ الٹ گئے, یہی ہے انسان کی. اتنی بڑی لیموزین تھی کہ تین دروازے بند ہو جاتے تھے اگر وہ کھڑی ہو, اور وہ لوگ کھانے کو محتاج, یہ تو اوپر والے پر ہے. لیکن جو چیز آپ کو یکتا بناتی ہے, جو آپ کو ڈسٹنگوش کرتی ہے دوسروں سے, منفرد بناتی ہے, وہ آپ کا کریکٹر ہے, وہ آپ کا کال آف فیل ہے. وہ آپ کا دامن پہ چھینٹے ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے انسانیت کے لیے جو اب ہم میک اے وش فاؤنڈیشن ہے ہماری, 8-10 سال سے ہزاروں بچوں کے آخری خواہشیں ابھی رمضان سے پہلے ہم نے کیا تھا, کیونکہ عید کے لیے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں, گورنر ہاؤس میں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو بچے آئے تھے غریب ترین اور بیمار ترین, کسی کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا, کسی کو 6 مہینے کا دیا, ان کی آخری خواہشیں. اور جب آپ کسی کی خواہش پوری کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک جینے کی امید پیدا ہوتی ہے. سو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایموشن ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کا آپ سوچیں پھر, یہ تو صدقہ جاریہ ہے, اس نے تو جاری رہنا ہے, آپ رہیں یا یہ ضرور جاری رہے گا. جب ہم ابھی بجٹ کے حوالے سے بات, تو جناب کے لیے اگین لاسٹ ایئر بھی انہوں نے یہ کیا تھا, میک اپ تمام چیزوں پہ بہت زیادہ بڑھا دیا تھا, اس بار بھی ایسے ہی ہے کہ کافی مہنگائی ہوئی. پھر وہیں ڈیفینیٹلی اگر میں, کیونکہ آپ اس وقت تو تمام صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں نا, کبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے, کبھی صوبہ بھی جو ہیں وہ وفاق پر آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ابھی جس طرح آپ نے دیکھا, اگر آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے, بلکہ پچھلے میں اگر کچھ دنوں کی بات کروں, تو بجلی کا بدترین اس وقت شارٹ فال ہے. سندھ کی اگر بات کی جائے, لوگ اذیت میں ہیں, اتنے دعوے کیے گئے کہ افطار میں, سحر میں لوڈ شیڈنگ, جن کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں کی جائے گی, لیکن اب تو ایسا ہے کہ بجلی جو ہے وہ نایاب ہو گیا ہے. اتنا ٹف ٹائم کے انہیں دیا ہے. جس چیز کے وعدے ہوتے ہیں وہ جان کے نہیں کیا جاتا. رمضان میں کہا جا رہا تھا, آپ لوگوں کی ہے یہ یاد رکھیں, نہیں یہ تو
स्केल एक्ट एक निजी इदारा है लेकिन अंडर तो सिंध हुकूमत के आता है ना, यानी प्राइवेटाइज हो गया, उसकी इंतजामिया सिंध हुकूमत की नहीं है, उसकी अपनी इंतजामिया, जैसे प्राइवेट मेरी कंपनी है उसकी मेरी इंतजामिया, सही है ना इश्तियाक साहब का करके काम उनकी इंतजामिया। मैं एक बात कहता हूँ, चले के इलेक्ट्रिक फेल हो गया और वादे पूरे नहीं कर सका और वाकई में कराची का रोशनी का शहर अंधेरों में डूब गया है, कई कई बार डूब गया है, शहरी में अवतार में लोग बहुत मुश्किल से, बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं है आपका। हाँ। हाँ। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक को एक कंपनी खरीद रही है शंघाई इलेक्ट्रिक, ये चाइना की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 30,000 मेगावाट उसकी जनरेशन है, वो पैदा करती है कितनी, 30,000 मेगावाट के इलेक्ट्रिक की, टोटल 3,000 भी नहीं। ओके सही है, सही, कहाँ 3,000 कहाँ वो 30,000। अब वो कंपनी 1.7 अरब डॉलर में के इलेक्ट्रिक खरीद रही है, ठीक है, ये जो प्राइवेट इदारे से, और वो कहती है मैं 9 अरब डॉलर की सरमाकारी करूँगा। 9 अरब डॉलर कहाँ लगाओगे भाई, हम नए निज़ाम लाएंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो ब्रेक डाउन होते हैं आप कहते हैं फीडर उड़ गया, हम नई जनरेशन करेंगे सस्ती, कोयले से करेंगे सस्ती बिजली, और हम कराची को एक बेहतर बिजली का सिस्टम और तसल्सुल के देंगे। अब वो चीज़ 4-5-6 महीने हो गए पेंडिंग है, उनको जो हुकूमत ने एनओसी देने वो दे नहीं रही, और मुझे लग रहा है वो कंपनी भाग जाएगी। अच्छा। और भाई एक चीज़ सही नहीं कर रहा है, हाँ। के इलेक्ट्रिक आप सब हम नाला हैं, उससे एक दुनिया का टॉप की कंपनी जिसको आप अच्छा, जानते हैं फॉर्च्यून 500 भी तो प्राइवेट है, कौन सा आपके, लेकिन हुकूमत के कुछ एनओसी चाहिए होते हैं जब आप इसको, क्योंकि उसमें पता नहीं चंद फीसद 20-26% हुकूमत के शेयर हैं अभी, तो हुकूमत को देना पड़ेगा उनको कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप अपनी इंतजामिया बदल लें। तो एक अच्छा आदमी है अगर है और ये आप कह रहे हैं ये खराब है, तो भाई अच्छे को दे दो ना, अब वो भी चला गया तो फिर इसी से डील करना पड़ेगा ना, जिससे आप तंग आए हुए। ये सब चीजें हैं कि मौके आते हैं लेकिन हमारे मौकों को जाया कर दिया जाता है। सही, नहीं तो फिर आप लोगों का एट द एंड सूबाई हुकूमत में तो आप लोग बैठे हैं, अगर आपकी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक चीज़ ऐसी है, कोई एक इदारा ऐसा है जिसकी वजह से आपके लोग हैं ना, ये जो सारे वोटर्स आपके हैं जो यहाँ रह रहे हैं जो तकलीफ में हैं, तो वो तो आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई ये तकलीफ है इसको सॉल्व किया जाए, वो ये तो नहीं कहेंगे ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का सेक्टर है। इलेक्ट्रिक जो है ये वफाकी हुकूमत का इदारा है, ठीक है, और नेपरा एक कंपनी है, नेपरा के अंडर में आता है। ओके। इसकी अगर कारकर्दगी खराब होगी तो नेपरा फाइन करेगा। अच्छा। इसका टैरिफ जो है किस पे वो बेचे वो नेपरा करता है, इसके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो होते हैं तकनीकी वो नेपरा वेरीफाई करता है, तो नेपरा इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वफाकी हुकूमत का इदारा है। सूबाई में सूबाई हुकूमत का सिर्फ यह है कि हमारे सूबे में ये है वजूद इसका, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने बार बार नेपरा से कहा इसके खिलाफ एक्शन लें, एक्शन लें, ट्रू, सही, और हमने डायरेक्ट भी कहा कि भाई हमारे घर में हो यार, बिहेव करो, लोग तंग हैं घर वाले, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है नेपरा, जो वफाकी हुकूमत का इदारा है, पूरे कवानीन उसको फाइन कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, इतने कवानीन है उनके, और वफाकी हुकूमत के शेयर भी अभी तक कुछ बाकी है उसमें, लिहाजा ये समझना पड़ता है लोगों को जरा, क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं। आप लोग जब वफाक से इस वक्त डेफिनेटली कांटेक्ट में होंगे इस मसले के हवाले से भी, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ से भी बात की है, हमने नेपरा के हैं ब्रिगेडियर तारिक सदुजई उनसे भी बात की है, चीफ मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है, लेकिन सवाल एक होता है, एक तो चीज जिसका डायरेक्ट आपके हाथ में हो गर्दन, ये हो कि आपने किसी को, और आप ये है कि आप गर्दन उसके हाथ में, आप उससे बोलेंगे यार इसकी गर्दन मरोड़ो जरा, ये है सूरत हाल, लेकिन गरीब आदमी परेशान है, आम आदमी एक परेशान यकीन तो फिर परेशानी। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म से अपने कराची की आवाम को यहाँ हैदराबाद में ये जो लोग देख रहे हैं इस वक्त सिंध में जो परेशान है, फिर मैं उन क्या तसल्ली दूँ उनको इस हवाले से, देखिए जी पहला तो हमने मेरा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि शंघाई इलेक्ट्रिक जो खरीद रही है, सही है,
एक देला आपसे नहीं ले रही, अपने पैसे देंगे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, प्लस 9 बिलियन डॉलर की सरमाकारी कर रही है। खुदा के वास्ते पे उस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया ना करें, और अगर एक इदारे से खुश नहीं है तो एक दुनिया की फॉर्चून 500 कंट्री में कंपनियों में उसका शुमार होता है, शंघाई इलेक्ट्रिक दुनिया की जो 500 बड़ी कंपनियां उसमें शुमार है, तो उसको ज़ाया ना करें, उसको दें। और मेन वाइल के इलेक्ट्रिक के ऊपर नेपरा को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करके कराची के शहरियों को जो हैं वो जो वो परेशान जो शॉर्टफॉल है उसको उसको कवर अप किया जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अशय खुर्दनोश के हवाले से, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपके घर में भी इस्तेमाल होती हैं, मेरे घर में भी, आपके घर में भी होती हैं, उनमें कितना, क्योंकि रमज़ान तो वैसे भी ये वो हमेशा, हमने लास्ट भी बात की थी कि ये तो रहमतों और बरकतों का महीना है, कमाई का महीना है, और वो कमाई कौन सी, जो नेकियां कमाते हैं हम, लेकिन यहाँ जो है ना वो दूसरे लेवल की कमाई हो रही होती है कि मुनाफा कमा लो, चीज़ें महंगी कर दो। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको दाद देता हूँ। हमारे घर वाले कुछ सर्वेंट वगैरह फल वगैरह लेने गए एक दिन पहले, अभी रमज़ान से, क्या हाल था, उन्होंने कहा जी फल नहीं है, उन्होंने पेटियाँ नहीं खोली थी, नहीं खोली, रमज़ान में खोल के लगाएंगे क्योंकि रमज़ान में कीमत दोगुनी कर देंगे, सही है। अब ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है कि छापा डाल के और जब्त करें चीज़ें उनकी जो वो एक दिन बाद महंगा करके बेचना चाहते हैं, जो उन्होंने ज़खीरा किया हुआ है। आप अमरीका में सुने, अमरीका में माह रमज़ान में और कैनेडा में डिस्काउंट दिया गया स्टोर्स के ऊपर कि चीज़ें सस्ती, नॉन मुस्लिम लोगों ने, हमारे यहाँ मुसलमान लोगों ने कीमतें बढ़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब सूरज गुरूब होगा और चांद थलू होगा तो रमज़ान का महीना शुरू होगा तो हम नई कीमतें बढ़ा के लगा देंगे। ये हमारा अखलाक है, और मैं बताता हूँ ऐसे लोग जिनकी नीयतें अच्छी नहीं है उन्हें अल्लाह ताला कभी भी बरकत नहीं देगा। ये दुनिया सिर्फ नीयतों का खेल है। आज जो भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं कि हम बहुत ज़की फहीम, हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने नियत साफ रखी, किसी का आठ आने खाए ही नहीं, किसी ने हमारा एक रुपया नहीं खाया। तो यही सब चीज़ें दुनिया में अगर आप ख्याल करते चलें तो आप सक्सेसफुल, नाम भी कमाएंगे, काम भी कमाएंगे। और हमें तो ये प्रैक्टिकली देखने को मिला है कि जो इज्जत, जो मुकाम, जो मान लोगों ने दिया है वो इस बुनियाद पर दिया है कि हमने कभी किसी गलत चीज़ में मुलव्वस नहीं किया, साफ़ सुथरा रखा है, और लोगों के लिए हम हर वक्त तैयार होते हैं करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत फेजेस देखे। एक फेज था पैसा कमाना बड़ा अच्छा लगता था, खूब बनाए पैसे, फिर वो शौक़ ख़त्म हो गया, फिर दूसरा शौक था पावर हो, मिनिस्टर भी वाकई बन गए, एडवाइज़र भी बन गए, डिप्लोमेट्स भी बन गए, पॉलिटिशियन भी बन गए, सब काम हो गए, और गाड़ियाँ आपके पीछे आगे जाती, खुदा की कसम वो शौक भी ख़त्म हो गया। क्या इसमें क्या मिल क्या रहा है, सुकून तो है ही नहीं। आप जिस फेस में हम आए हैं, पता चला, ये तो सबसे आखिर में पता चला, पहले पता चल जाता, वो है कि किसी के लिए कुछ कर जाओ, मेके विश जिस तरह से हम चला रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, वालदा के नाम से जा रहे हैं, सिंध में हमने छोटा बेटा मेरा अभी फ़ोटो ला के दिखा, देखें पापा ये क्या है यार, नज़र नहीं आ रहा, ये चश्मा लो, तो पंप लगाए हुए थे सिंध में जाके मेरे नाम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी के हाइड्रेंट कहते हैं, तो उमेर ने कहा कि ये मैंने इतने सारे लगवाए तो आपके नाम के लगवाए, माशाल्लाह। अच्छा, पता ही नहीं था, ये कितनी अच्छी बात है। और ये ऐसा होता है कि जब अल्लाह ना करे आपके आपके पेरेंट्स में से कोई चला जाता है तो फिर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है कि किसी को पानी नहीं है या मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए जिसका सवाब जो है वो इस आले सवाब आपके मरहूमीन को। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस के, अगर आप, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि माँ बाप जो हैं वो आपके साथ मौजूद हों, और तभी आप उनके होने की उस ब्लेसिंग को फील करें और आप कहें कि मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूं। अम्मी के लिए, हमने अम्मी की ज़िंदगी में मस्जिद बनाई थी, अम्मी की ज़िंदगी में दारुल उलूम बनाया था, तालीम का जो है जदीद तालीम भी है, कुरानी तालीम भी है, आज 20 साल हो गए, अम्मी जिंदा थी, अम्मी को तो 2.5 साल 2013 में डेथ हुई उनकी। तो लोग इसके इंतज़ार ना करें कि आपके वालदैन जब इंतकाल कर जाएं तो आपको, उनकी ज़िंदगी में करें वो देख सके खुश हो। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे बेटे ने व्हाट्सएप पे मुझे दिखाया, और आपने सोचा होगा ना लाइफ की जो दुनिया जो है ये मकाफात अमल है,
हैं आप जो करते हैं अपने वालदैन हाँ। के लिए और फिर यही गुमान रखें कि वही आपके साथ भी आपकी औलाद करेगी, अच्छा बोएं बीज बोएंगे अच्छी फसल काटेंगे, तो आप तो ब्लेस्ड हैं कि आपको दुनिया में ही आपने देख लिया कि देखें। मैंने कहा यार सिंध में तो लोग पैसे ले जाते हैं हाँ। लगाते ही नहीं है हाँ। ये तुम्हें कैसे यकीन था कि ये लगेगा भी ये भी? उसने कहा कोई एक मैडम है वो ये पंप लगा रही है पूरे थर में और दूसरी अच्छा। जगहों पे, और मेरे काफ़ी दोस्तों ने हमने उनकी इसमें लगा रहे बहुत सारे सैकड़ों, तो कुछ लोग तो गए थे देख कर आए, कुछ को व्हाट्सअप किया था मुझे उन्होंने, ये व्हाट्सअप किया आपका नाम और वो पंप और लोग बच्चे पानी निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम मनफी सोच लग जाए तो कुछ भी नहीं हो, तो फिर कुछ भी हमें मुस्बत सोच के आगे चलना है। सही, अपनी सोच को लॉक नहीं करना आपने अपने आप को कहीं लॉक नहीं करना, जहाँ आप लॉक कर लेते ना वहाँ पे फिर रास्ते ही ख़त्म हो जाते हैं, लॉक ना हो वो एक आप चार आप अपने अपने जहन को भी इतना ही ओपन रखें कि हर तरह की एनर्जीज को, बट द पॉइंट इज़ कि हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं ना नेगेटिविटी लेफ्ट राइट आपके इतनी है आपकी, हमारे वालदे ने हमने किया, मैंने बखुदा बच्चों को बोला नहीं ये करो ये करो, नहीं हमारे कुछ स्टाफ थे मिलके चाय बनाने वाला था अच्छा साबिर नाम था सर, बीमार हो गया बहुत, हमने कहा इसका इलाज वलाज कराओ, सब लोग एडमिन वाले देख रहे थे सब, 3 साल 4 साल पहले डेथ हो गई उसकी। मुझे नहीं पता हमारे बेटे ने उसकी बीवी और बच्चों की तालीम अच्छा। और अब तक वो एक सिलसिला रखा हुआ है, तो अभी बतला रहा था कि बाबा रमदान ने हमने उनको अच्छा, मैंने कहा वो होता था ना पापा जो चाय पिलाते थे हम डेली सुबह सबको चाय ला के देते ना, कहने का मेरा मकसद ये ये चीजें वक्त निकल जाएगा यही चीजें, लेकिन ये नेकी आपके अंदर से आती है, ये आपको सिखाई नहीं जाती, ये आर्टिफिशियली नहीं आ सकती, ये बिल्ट इन होती है, और जो अल्लाह ताला जिसके दिल में डाल दे ये भी याद रखे और आप पति लोग हैं बिल्कुल तौफीक की बात है, तौफीक ही नहीं, अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दी, जिनको तौफीक देते हैं रब वो फिर अपने उन नेकियों को डबल भी करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और अब अगली मुलाकात पे भाभी के साथ जरूर कोशिश, हमारी दावत उन तक जरूर पहुंचाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट भी बतलाइएगा, मैं पर्सनली उनको इनवाइट करूंगी, कैमरा शाही लेकिन आपको मुझे पता वो हमेशा मुझे ये कहती है, लेकिन मैं जरूर उनको इनवाइट करूंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, रमजान बहुत मुबारक हो आपको, आप सबको भी रमजान का बाबरकत महीना बहुत मुबारक हो, रब आपको मुझे हम सबको तौफीक दे कि हम इस माह मुबारक का हक अदा कर सकें और इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेट सकें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।